व्यूअर्स, और आप फिलहाल देख रहे हैं इस घनघोर जंगल। आज हम आए इस जंगल में। सो दोस्तों, हम देखने वाले इस घनघोर जंगल, और ये जंगल तो होता है जानवरों के लिए। तो दोस्तों, हम स्पेशली आए शेर को देखने को, और यहाँ के लोकल लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे रोज शाम को शेर आता है। क्यों आता है पता नहीं है, लेकिन हम देखेंगे ज़रूर और आपको भी दिखाएंगे। बने रहेगा वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं अपने इस जंगल सफारी की शुरुआत करते। चलो फिर दोस्तों, देखो जंगल के पास बहुत ही बड़ी नदी आ गई है, डरावनी भी लग रही है। देखो, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, चौड़ी तो नहीं कह सकते, छोटी सी नदी है जंगल में। करीब शाम, अभी फ़िलहाल तो 5 बज गए, बस आने की तैयारी है। तो चलो हम आगे चलते, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर नसीब में होगा तो देखने मिल जाएगा तो कितना घनघोर जंगल है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखें होता है क्या। काफ़ी मज़ा आने वाला है, बने रहेगा वीडियो में। इसके साथ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। देखो ये रास्ता जंगल की ओर जा रहा है, काफ़ी ये खतरनाक रास्ता है। देखते हैं अभी जाएंगे आगे, क्या बोलते हैं आप। चलो और झाड़ियों के बीच में से हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे, कोशिश करते हैं। चलो देखो, अभी कुछ आवाज भी आ गई। आवाज आई ना भाई साहब। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम अंदर जा रहे थे, वहाँ से रिटर्न होना पड़ा, शेर की आवाज़ आ गई, हमें सुनाई थी, लेकिन इस घनी झाड़ी को भी दिखाई नहीं दे रहा। तो रुकते थोड़ी देर और यहाँ से देखते सामने आते हैं। मैंने अभी आपको बोला थी 5 बजे का टाइम है, और आने का समय हो गया है। हम तो सामने जा रहे थे, लेकिन कहाँ से तो आवाज़ आ गई। हम चलो देखते। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आवाज़ आई थी शेर की, इस घनी झाड़ियों में दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ काफ़ी तेज़ आई थी, शायद आपको सुनाई दी हो। तो चलो चलते आगे। चलो अब इस छोटे से पहाड़ के ऊपर चढ़ते, तो वहाँ से लोकेशन देखते। कैसे आए इस जगह का पूरा व्यू आपको दिखा दे, जरा दिखा दो क्या। हम उस साइड से गए थे, यहाँ से आवाज़ आई थी, घूम के आए तो सामने अभी गाड़ी के बीच कुछ दिखाई दे रहा है आपको। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद दिखाई दे। तो डरावनी जगह भाई, यहाँ फिलहाल तो हम अंदर जाएंगे। चलो आ जाओ, कोई फिक्र नहीं यार, ऐसे शेर कुछ करता नहीं है। जब तक हम उसे परेशान ना करें तब तक शेर कभी कुछ नहीं करता। हाँ, टाइगर हो तो भागना पड़ेगा। तो चलो चलते आगे। माता मगा खीड़ो हो गया तो मेरा खीड़ा साइन चालो ये नुसेस भाई। हवा भी काफ़ी तेज़ है और जगह भी काफ़ी डरावनी लग रही है, बड़े बड़े पेड़ और ये घनी झाड़ियाँ, कांटों वाली झाड़ियाँ है भाई, काफ़ी खतरनाक जगह है। ऐसे तो थोड़ा खुला खुला दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शेर बहुत आते हैं। देखो सामने कुछ नदियाँ भी, इंसान भी है, वो अपनी गाड़ियाँ धोने को भी आते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि शेर आते हैं ना शाम के टाइम, उनको गाड़ियाँ छोड़ के भी भागना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है। और हम फिलहाल वैसा भी इस जंगल में खड़े, तो गाइस आप देख सकते हैं
जंगल खूबसूरत भी लगता है और डर भी लग रहा है भाई इंसान है हम। चलो चले यहाँ से जाएंगे। चलो वो आवाज कहाँ से आई थी? लग गया काटा लग गया। ले ले जरा यहाँ पे देखो काटा लग गया। बड़े बड़े काटे हैं भाई देखो। ये अगर चुप जाए बहुत खून निकल आएगा भाई। अच्छी जगह पे फेंक दो। चलो ये आवाज कहाँ से आई थी? देखो घना जंगल है। इस झाड़ियों के पीछे क्या है कुछ दिखा नहीं देगा आपको। फिर भी चलो आगे। अभी आजा तो आगे आजा। ए रुक जा इसको छोड़ के कहाँ भाग रहा है? कांटे भी बहुत है भाई परेशान कर रहे हैं। आ जाओ आजा। देखो इस जंगल में लोग भी रहते है ना सामने सामने की साइड। ये जंगल इस गांव के बिल्कुल करीबी है। काफी भयानक जंगल है। रात को रोज रात को यहाँ पे शेर आते। मैंने तो बहुत बार देखे सोचा कि आज आपको भी दिखा दूँ। कोशिश करते देखने को मिल जाए तो। चलो फिर आगे बढ़ते। और एक कांटा चुप गया। अरे भाई बहुत कांटे हैं इधर। कोशिश करते शायद हमें शेर मिल जाए। हर बार कोशिश करते लेकिन आपको दिखा नहीं सकता तो कोशिश करेंगे इस बार शायद हमें देखने को मिल जाए आमना सामना हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। शेर का नाम पढ़ते ही धड़कनें तेज़ हो रही है। कुछ है क्या आगे? यहाँ पे गांव में क्या होता है जो घर के बाहर खुली जगह रहती है ना उसकी बॉर्डर बनाने के लिए इस कांटों वाली जो जंगल में जो छोटे छोटे पेड़ रहते हैं ना जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं वो लेके जाते हैं फिर वो अपने घर के बाहर बॉर्डर बना देते हैं। उससे क्या होता है कि जंगली प्राणी अंदर आ नहीं सकते तो है ना। सो दोस्तों हम फिलहाल तो बड़े मज़े से इस जंगल में घूम रहे हैं। मज़ा भी बहुत आ रहा है देख सकते हैं आप। घनघोर जंगल है भाई काफ़ी खतरनाक इलाका। भाई साहब इस जंगल में घूमना काफ़ी ख़तरनाक है और ये जंगल तो होता है जानवरों के लिए। सो हम घूम तो रहे लेकिन काफ़ी देख के यहाँ पे संभल के गुजरना पड़ेगा जंगल से। चलो दोस्तों काफ़ी देर रुक ली अब हम आगे बढ़ते और अपने वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते। चलो फिर यहाँ पे देखो पूरे जंगल में बबून के पेड़ बहुत है। तो दोस्तों जब भी कभी भी जंगल में जाए तो इनका ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि इसमें कांटे बहुत होते हैं। चलो फिर देखो घनी झाड़ी भी आ गई। क्या पता यहाँ दिखा दो ज़रा क्या पता यहाँ भी छुपा बैठा हो। चलो फिर आ जाओ। काफ़ी मज़ेदार जंगल लग रहा है आज तो मुझे बाकी दिनों से।
क्यों, मैं बहुत बार जंगल में जा चुका हूँ और काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूँ, आपने देखी भी होगी बहुत सी वीडियो मेरी, लेकिन ये जंगल काफ़ी थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। ये रास्ता है, देखो हम रास्ता भी भूल गए, पता नहीं है। देखो सामने सांप के रहने का ठिकाना है ना, सामने देखो सामने जाएगी वहाँ पे मिल जाए, निकलते बाहर उसे, इससे निकालेंगे नाको। क्या यार, कुछ दिखाई दे रहे? नहीं नहीं बहुत गहरा है ये तो नहीं है। देखो चल आ जा, अभी नहीं है कुछ, चल चलो। देखो दोस्तों, दो दिन पहले शेर ने यहीं पे शिकार किया था, हम उस जगह पे जा रहे हैं फिलहाल। चलो फिर धीरे धीरे चलते हैं, शायद जंगल का राजा यहीं पे मिल जाए हमें। पूरा जंगल आ गया गाढ़, अभी वो दिखा दे तितली, देखो यहाँ सुबह रही जो धीरे धीरे वाले उड़ गई। लियो चलो आजा आजा, देखो रास्ता आ गया है। देखो हम अभी रास्ते पे आ गए, नहीं तो मेरा रास्ता है ना, देखो शेर यहीं पे इस रास्ते पे चलते हैं। पंजे ढूंढ रहे शेर के, साइड में देख लो वो अकेला पीछे है भाई, उसको संभालो। चलो फिर खतरा है आगे, यहाँ पे शेर बहुत बसते। और भाई साहब हम फिलहाल तो जिस जगह पे खड़े, ये पूरा शेरों का इलाका है, पता नहीं कब कहाँ से आ जाए। देखो ये रास्ता भी शेरों के चलने का रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है ये शेरों को चलने का रास्ता है। तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं इस घनी झाड़ियों के बीच से। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और शेयर करना ना भूले। इसे गुजराती में खुटिया बोलते, और इसे परेशान करना सही बात नहीं है। चलो हम टेस्ट करते इसे भी, आ जाओ आज भागता है हम जो। ये दादा हम जो, ये मियाओ बासी बोल गई ना तो जा बहु बहु दो ये ने क्या जाइस। चलो गम्मा शिकार करना, हम चलेंगे मजेदार वीडियो के साथ। समाप्त करते हैं आज की वीडियो, बने रहेगा इस वीडियो में, अभी तो खत्म हो गया, क्या बने रहेंगे भाई। तो चलते मिलेंगे अगली वीडियो में इससे भी जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।